नमस्कार, द न्यूज लॉन्चर के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। राहुल गांधी 2 दिन के मिजोरम दौरे पर हैं। आज उन्होंने आइजोल से लेकर के 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। वही भारत जोड़ो यात्रा का परिदृश्य गूंज रहा था। लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, उनसे बात करने के लिए बेताब थे। एक बार फिर से राहुल गांधी ने महज 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा में उन जन भावनाओं को फिर से जैसे जागृत कर दिया। लेकिन राहुल गांधी ने जो बातें की, जो वहां पर भाषण दिया, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए बोला कि प्रधानमंत्री को दिलचस्पी हमास, इसराइल और फिलिस्तीन में है, लेकिन भारत के प्रदेश मणिपुर में जो मई से हिंसा हो रही है उसके बारे में उनकी कोई चिंता नहीं। दोस्तों, आपको याद होगा कि मई महीने में मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जातीय हिंसा भड़क उठी थी। जून में राहुल गांधी खुद मणिपुर पहुंचे थे। महिलाओं, बच्चों से मिलकर के जो राहुल गांधी ने उन्होंने महसूस किया था, उसे दिल्ली में आकर के उन्होंने बयां किया था कि किस तरह से वहां लोग शिविरों में जीवन जी रहे हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी उनके पास नहीं है, और जिस तरह के परिदृश्य वहां से निकल करके आ रहे थे, वो दृश्य तो इतना हौलनाक था जिसमें 2 महिलाओं को एक पागल भीड़ नंगा करके उन्हें ले जा रही है, और बाद में खबर मिली थी कि उनका सामूहिक बलात्कार किया गया था, शायद उनको मार भी दिया गया था। उसके बाद भी कई और घटनाएं दोनों ही समुदायों की, जिसमें महिलाओं के साथ बलात्कार और नौजवानों को मार भी दिया गया है, मणिपुर जैसे 2 भागों में तब्दील हो गया। राहुल गांधी ने कहा इस बात को कि आप 2 मणिपुर बना दिए हैं नरेंद्र मोदी की निष्क्रियता ने। वो प्रधानमंत्री होने का अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं और अभी तक वो मणिपुर नहीं पहुंचे हैं, कोई उनकी दिलचस्पी नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि एक आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला है, वो आइडिया ऑफ इंडिया जिसमें प्रत्येक धर्म, भाषा, संस्कृति और परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान के आधार पर, कुकी मैतेई के आधार पर, हिंदी और गैर हिंदी के आधार पर, और इतना ही नहीं, जातियों के आधार पर भी समूचे देश को बांटने की साजिश की जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को उसमें राजनीतिक फायदा मिलता है। और ये जो मिजोरम है उसमें चुनाव आने वाले हैं, 7 नवंबर को 40 विधानसभा सीटों पर उन्हें वहां चुनाव होने हैं। इसके पहले वहां जोरमथंगा की सरकार है, मिजो नेशनल फ्रंट की, वहां तो त्रिकोणीय मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी का केवल एक विधायक था जिसने जोरमथंगा को समर्थन दिया था। 40 सीटों में से 2018 के चुनाव में जोरमथंगा यानी मिजो नेशनल फ्रंट को 28 सीटें मिली थी। कांग्रेस पार्टी वहां पर सिर्फ 5 विधानसभा सीटों पर सिमट गई थी। राहुल गांधी इस बार कोशिश कर रहे हैं कि जो 30% वोट उसको मिला था उसको बढ़ाया जाए और उस उत्तर पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया जाए, मिजोरम में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई जाए। लेकिन राहुल गांधी उससे बड़ा काम ये कर रहे हैं कि इस देश में जहां भी विभाजन है, जहां भी खौफ है, डर है, उसको मिटाने के लिए वो वहां पहुंच रहे हैं। जैसे भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने नरेंद्र मोदी के 8 साल के शासन काल पूरे होने के बाद जिस यात्रा को उन्होंने किया था कि कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी लिंचिंग हो रही है, दलितों को अपमानित किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, ऊना से लेकर के हाथरस की तमाम घटनाएं वो उदाहरण थी, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे, किसान आत्महत्या कर रहे थे, उन्हें अपनी उपज का दाम भी नहीं मिल रहा था। वो उस यात्रा में रोहित बिमला की मां से भी मिले थे। वहीं पर उन्होंने आदिवासियों का भी सवाल उठाया था कि क्यों आदिवासियों को आरएसएस वनवासी कहती है, आदिवासी इस जमीन के मालिक हैं,
और उन्हें इसका अधिकार मिलना चाहिए। सबसे बड़ी चिंता उनकी थी कि कैसे देश को एकजुट किया जाए, कैसे आइडिया ऑफ इंडिया को मजबूत किया जाए। इसलिए उन्होंने वहां पर नारा दिया था कि हम नफरत के बाजार में एक मोहब्बत की दुकान खोलने आए। वहीं पर उन्होंने नारा यह भी दिया था, डरो मत। तो जो डरो मत के नारे के साथ मोहब्बत की दुकान खोलने का ऐलान राहुल गांधी ने उस भारत जोड़ो यात्रा में किया था, वो आप मिजोरम में भी वही करते हुए दिख रहे हैं। और इस बीच में भी जो भारत जोड़ो यात्रा जिसको कहा जा रहा है कि वो कंटिन्यू है, उसमें कभी राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठते हैं, उससे बात करते हैं, देश की धरती पर ही नहीं विदेश में भी। कभी वो किसानों के खेत में उतर करके धान का रोपण करते हैं, फिर उन किसान महिलाओं को दिल्ली घुमाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी दिल्ली नहीं घूमी थी, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, तो वो महिलाएं दिल्ली घूमती भी हैं और सोनिया गांधी के घर आकर के भोजन भी करती। वो अपने हाथ में अपने घर से बना हुआ भोजन भी लेकर के आई थी। बड़ी दिलचस्प बातें भी होती हैं। वो महिलाएं, साधारण महिलाएं, किसान महिलाएं, वो सोनिया गांधी से पूछती हैं कि राहुल गांधी की शादी कब करेंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि तुम ही कोई लड़की देख लो। तो वो जो एक घृणा का माहौल इस देश में बन गया था, जिसमें भय था, तमाम बाबा अचानक अवतरित हो गए थे, जो हिंसा के लिए, सामूहिक नरसंहार के लिए प्रेरित करने लगे थे लोगों को, कि लोग फला फला लोगों को मार डालिए और न जाने क्या क्या, किसी की गर्दन उतार लीजिए, कितना इनाम देंगे। मैं उन बाबाओं का नाम भी नहीं लेना चाहता, हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बाबा इस देश में ऐसे हैं, लेकिन जो बाबा राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं, दिखते नहीं है लेकिन असल में खेल वो उसी के लिए कर रहे हैं, जो हिंदुत्व के आगे बढ़ाने वाली एक तरह की प्रयोगशाला का वो काम कर रहे हैं, उन्होंने इस देश में जो तांडव करने की, जो आग लगाने की साजिश रची थी, वो धीरे धीरे बेपर्दा हो गई। लोगों ने आइडिया ऑफ इंडिया में विश्वास किया और अब लोग राहुल की उस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं, वे भी उस मोहब्बत की दुकान में यकीन कर रहे हैं। और यही वजह है कि चाहे राहुल गांधी दिल्ली के वो बंगाली मार्केट में पहुंचे हों मिठाई खरीदने के लिए, या वो उन परीक्षार्थियों के बीच में हों जो आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी लोग राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, या वो जयपुर में रहे हों उस महिला कॉलेज में जहां की लड़कियां उनसे बहुत बुनियादी सवाल पूछते हैं और कुछ हंसी मजाक भी करते हैं। वो ये भी पूछती हैं कि कॉलेज में उनका क्रश कौन था, वो ये भी पूछती हैं कि आपका वो बहुत वायरल होता है ओके टाटा बाय बाय ये सब, तो एक हल्के फुल्के अंदाज में गंभीर बातचीत भी होती है। राहुल गांधी उसी तरह से एक सेंटर पॉइंट बन रहे हैं, लोगों के लिए केंद्रीय बन रहे हैं और लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। इसके बरक्स नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट रही है, लोग उन्हें झूठा मक्कार न जाने क्या क्या कह रहे हैं, लोगों का विश्वास अब पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी की सियासत पर खत्म हो चुका है। लोग जान गए हैं कि धर्म और जाति के नाम पर लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता सुख प्राप्त करना चाहती है, और तानाशाही पूर्ण उसका रवैया है। वो विपक्ष को, मीडिया को या मानवाधिकार संगठनों को कोई तवज्जो नहीं देती। लोग मरते हैं तो मरे, चाहे नोटबंदी में मरे या कोरोना की आपदा में मरे, या बॉर्डर पर वो चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में हमारे सैनिक शहीद हों, नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर जलता रहा लेकिन राहुल गांधी पहुंचे, वो जातीय संघर्ष आज भी जारी है, ऐसे करके वहां कुछ मौत की घटनाएं सामने आ जाती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज तक उसकी फिक्र नहीं की। यही बात राहुल गांधी मिजोरम में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने आइडिया ऑफ इंडिया को ब्रेक कर दिया है।
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश को विभाजित करके नफरत और हिंसा की आग में झोंक देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनका जो मिशन है भारत जोड़ने का, वो इस देश के धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा, इन सबको जोड़ करके एक भारत, एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें समावेशीपन है, जिसमें दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और महिलाओं के अपने अधिकार ही नहीं है, उनकी भागीदारी भी है। और यही वजह है कि राहुल गांधी को आज एक जननायक के तौर पर देखा जा रहा है। मिजोरम में जो ये उनकी पहल है, और कल भी जब राहुल गांधी मिजोरम में होंगे, जो बातें करेंगे, जो संवाद करेंगे, उससे सिर्फ चुनाव पर प्रभाव होगा वो तो अलग ही है, लेकिन संपूर्ण भारतीय जनमानस पर राहुल गांधी की संवाद का जो असर हो रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए उस पर हमारी बराबर नजर बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।